शौच गए एक युवक की तालाब में डूबकर जान चली गई। ये हादसा तालाब पर पैर फिसलने के चलते हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मामला बिस्वा कोतवाली इलाके का है। कोतवाली के सांडा चौकी इलाके के गोपालपुर निवासी राम खिलावन शनिवार की सुबह अपने पशुओं को चराने के लिए खेत गया था। उसका 18 वर्षीय पुत्र विकास दोपहर को उसके लिए खाना लेकर गया था। पिता को खाना देकर वो वापस में ककरहा तालाब के किनारे शौच के लिए चला गया था, जहां तालाब पर उसका पैर फिसल गया, जिससे उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। जानकारी पाकर परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से तालाब में डूबे युवक को बाहर निकाला और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा ले गए, जहां चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सीएससी में मृतक के पिता राम खिलावन ने जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये भैया जो है लड़का, हम वहाँ बैठे चढ़ाई कर रहे हैं, खाना लेके गवा रहे हैं, खा लेके कहो हम खाते भी खाना, हम खाना खाए लगे बैठ लगे कहा लगे हम लेट्रीन जाओ, जो लेट्रीन चला कर रहे थे बाद पता नहीं लगा भैया हम खाना ही खाएँ पर खाना खा के उठे तब थोड़ी देर बाद देखें तो लंगड़ा नहीं दिल हाँक वाँक दे लगे तो समझे नया जब हाँक वाँक नहीं तो देखान नहीं तक बाद कहा हम कहें रुका हो गया तो टारा लगा नहीं गया तो लंगड़ा बाद कहा वो पानी में हम पता लगा कि पूरे में गवा लगे। हाँ डॉक्टर तो मृत्यु घोषित कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जिंदा नहीं है, कहा बताइए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।